में। और आज हम बात करने वाले हैं विजय देवरकोंडा और समांथा स्टारर आज थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म यानी कि खुशी के बारे में। इस फिल्म के अंदर कहीं पर कोई ऐसा मैजिकल मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई बहुत कमाल का सीन नहीं है, ऐसा कोई कमाल का डायलॉग नहीं है जिसको बार बार जो है देखने का मन करे। इवन फिल्म के जो दो लीड कैरेक्टर्स हैं जिसे विजय और समांथा प्ले कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स के साथ भी जो है हम कहीं पर भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और इसी का एक कारण है कि फिल्म जो है कुछ जगहों पर जहां पर एंटरटेनिंग है वहां पर एंटरटेन कर जाती है, अदरवाइज मैक्सिमम पोर्शन में जो है फ्लैट निकल जाती है। कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली तेलुगु वर्जन के अंदर फिल्म की कॉमेडी कुछ जगहों पर काफी अच्छे तरीके से काम करती है, स्पेशली कश्मीर वाले पोर्शन के अंदर विजय देवरकोंडा जिस तरीके से एक भाषा के डिफरेंस के कारण जो डायलॉग्स बोलते हैं आधा तेलुगु आधा हिंदी जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो चीजें जो है काफी फनी नजर आती हैं, हंसाने में कामयाब रहती हैं। इसके अलावा भी कुछ इक्का दुक्का सीन्स हैं जो फिल्म के अंदर हंसाने में कामयाब रहते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो बहुत ही फोर्स नजर आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगेगा कि चलो यार ये बोल रहे हैं कि हंस लो तो चलो हंस लेते हैं, तो ऐसे कुछ सीन्स भी हैं। बट फिर भी ओवरऑल फिल्म कॉमेडी के थ्रू जो है कुछ पोर्शंस में एंटरटेन करने में कामयाब रहती है।